मगध टेक्नो आईटी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है और मैं आदित्य पंडित। आज हम आप लोगों को जेम के पूरे डिटेल्स, जेम किस तरीके का प्रोफाइल कैसे जनरेट करेंगे, सभी का डिटेल्स के ऊपर हैंडबुक बनाया हूँ, वो आपको मैं अभी यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे हैंडबुक्स में क्या क्या है ये डिटेल्स आपको पता चलेगा। सेलर रजिस्ट्रेशन यूजिंग आधार ओनली फॉर ये सेलर है, बायर का हम दूसरा हैंडबुक बनाएंगे जहाँ पे आपको बायर्स के बारे में मिलेगा। इस सेलर में क्या क्या है, सेलर रजिस्ट्रेशन, आप आधार से कैसा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यूजिंग पेन, पेन कार्ड से कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ओवरव्यू ऑफ सेलर डैशबोर्ड्स, डैशबोर्ड सेलर का डैशबोर्ड्स देखेंगे कैसा रहता है, पोर्टफोलियो कैसा रहता है, आप कहाँ पे बीड देख सकते हैं, किस तरीके से क्या क्या रहता है डैशबोर्ड्स में, ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा। सेलर सर्विस प्रोवाइडर प्रोफाइल, प्रोफाइल अपडेशन में क्या क्या रहता है, किस तरीके से जीएसटी नंबर, पैन कार्ड, आधार, टैक्स असेसमेंट, सभी चीज़ें आप आईटीआर अपना कैसे अपडेट कर सकते हैं। सेकेंडरी यूजर क्रिएशन, सेकेंडरी यूजर कैसे बना सकते हैं, ओएम पैनल, ओएम पैनल कैसे बना सकते हैं, जो अपना मतलब वेंडर असेसमेंट बोलते हैं वो वेंडर असेसमेंट कैसे बनाएंगे, ओएम एंड ब्रांड एप्लीकेशन, आपका ओएम के थ्रू से या फिर कोई ब्रांड कैसे नया ब्रांड जेम पे डाल सकते हैं, वेंडर असेसमेंट कैसे करेंगे इसका पूरा प्रोसेस क्यूसीआई के साथ, वीडियो असेसमेंट, डेस्कटॉप असेसमेंट, ये सभी कैसे करेंगे, कैटलॉग मैनेजमेंट, कैटलॉग कैसे मैनेजमेंट करेंगे ये आपको मिलेगा, क्लोन, कोई भी कैटेगरी को, प्रोडक्ट को क्लोन कैसे करेंगे या फिर पेयर कैसे कर सकते हैं, कोई प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू कैसे करेंगे। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमने को दिखाई मिलता है कि प्रोडक्ट इमेज अपलोड प्रोसेस में आता है, जब नया कोई प्रोडक्ट डालते हो तो इमेज का बहुत एरर आता है, तो उसके लिए क्या क्या सॉल्यूशंस है, किस तरीके से इमेज आपको डालना चाहिए ताकि आपको वो प्रॉब्लम ना आए, ओएम एंड ब्रांड एप्लीकेशन वर्क फ्लो, ओएम एंड ब्रांड का एप्लीकेशन कैसे करेंगे, न्यू कैटेगरी या कैटेगरी अपग्रेडेशन, मतलब यदि कोई प्रोडक्ट आपके कैटलॉग में नहीं है तो उसके लिए कैटेगरी, नया कैटेगरी कैसे बनाएंगे, या फिर उसके रिगार्डिंग प्रोडक्ट यदि कोई कैटेगरी है पर आपका प्रोडक्ट का जो स्पेसिफिकेशन है उसके हिसाब से मैच नहीं कर रहा है तो उसको आप अपग्रेड कैसे कर सकते हो, कैटलॉग मैनेजमेंट सर्विसेज, कैटलॉग कैसे मैनेज करेंगे, बीड पार्टीशन, बीड के बीड में कैसे पार्टीशन कर सकते हैं प्रोडक्ट में, और सेम बीड के सर्विस के प्रोडक्ट सर्विस में कैसे बीड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आर ए में प्रोडक्ट के आर ए में कैसे पार्टीशन कर सकते हो, सर्विसेज के आर ए में कैसे पार्टीशन कर सकते हैं, और ऑर्डर प्रोसेसर और इनवॉइस जनरेशन, आप ऑर्डर अपना कैसे प्रोसेस करेंगे और इनवॉइस कैसे जनरेट करेंगे इसके बारे में पूरा ये पीडीएफ फाइल आपको दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे सेलर सर्विस प्रोवाइडर रजिस्ट्रेशन यूजिंग आधार, तो हम आधार कार्ड से कैसे जनरेशन करेंगे ये आपको यहाँ पे मैंने बताया है। सेलर पे जाएंगे, यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन एकदम स्टेप बाय स्टेप हमने पूरे तरीके से बताया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं हर एक चीज, वेरीफाई करेंगे, आधार नंबर डालेंगे, ओटीपी डालना है, ये पूरा प्रोसेस आपको वन बाय वन आपको हर चीज का मिलेगा। नीचे आपको इंडेक्स दिया हुआ है तो इंडेक्स के अकॉर्डिंगली पेज नंबर डायरेक्ट डालेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा, जैसे कि पैन कार्ड के थ्रू से कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे ये आपका यहाँ पे है, ये पूरा 538 पेजेस का है, ये आप हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। क्लोन, कोई भी कैटलॉग को क्लोन कैसे करेंगे, क्लोन करने का क्या प्रोसीजर है ये आपको यहाँ पे मैं बताया हूँ, और भी आपको आगे सभी डिटेल्स मिलता रहेगा। सभी चीज़ें एकदम प्रॉपर वे से हम लोगों ने पीडीएफ बनाया, बीड में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो, ये प्रोडक्ट का, सर्विसेज का, सब कुछ इसमें, मतलब इन शॉर्ट सेलर का पूरा प्रोफाइल, सेलर का पूरा प्रोफाइल हमने यहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस में बताया हूँ, जहाँ पे सेलर किस तरीके से पूरे डिटेल्स आप अपडेट करेंगे, आपका प्रोफाइल कैसे अपडेट करेंगे, सब चीज़ पूरा ये हैंडबुक्स है सेलर के रिगार्डिंग, जो आप हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।